हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको भारत के जिस राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे भारत का दिल कहा जाता है। वो राज्य जहाँ का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे भारत में सबसे पॉपुलर है और मुंबई की तरह यहाँ आकर भी लोग अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। भारत का वो राज्य जहाँ के लोग सबसे खुशनुमा मिजाज के होते हैं और इस राज्य को दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में गिना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री भी इसी शहर में है और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार और फलों का थोक बाजार भी इसी राज्य में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, वो दिल्ली जो देश की शान मानी जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है और ये भारत में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। भले इस राज्य को क्षेत्रफल के हिसाब से कम आंका जाता हो, लेकिन यहाँ वो सब है जो आपको दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली सिर्फ एक राज्य ही नहीं है, बल्कि खुद की एक दुनिया है जिसे यहाँ के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दिल्ली और यहाँ के लोगों के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिल्ली से जुड़े कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है, जहाँ हर धर्म के लोग निवास करते हैं, जहाँ मंदिर हैं, मस्जिद हैं और गुरुद्वारे भी हैं। दिल्ली सल्तनत पर कितने मुस्लिम राजाओं ने राज किया, कितने ही हिंदू शासकों ने अपना शासन चलाया। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार सजाई गई थी। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली महाभारत के पांडवों द्वारा बसाई गई थी। दिल्ली को भारत का सबसे डेवलप्ड राज्य भी माना जाता है। यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा रियल स्टेट सेक्टर पे निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट का काम किया गया है। यहाँ पर हर 2 मिनट पे एक फ्लाईओवर नजर आता है और यहाँ की सड़कें रात में चमचमाती हुई दिखते हैं। दिल्ली यानी दिल वालों की दिल्ली, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। देश और दुनिया से हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं। मुंबई की ही तरह ये शहर भी कभी नहीं सोता। कई ऐतिहासिक स्थलों और कहानियों की गवाह रही दिल्ली को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दिल्ली भारत की राजधानी है और ये भारत के हर दूसरे राज्य से काफी अलग है। दिल्ली में बसने और अपना करियर बनाने का सपना हर युवा देखता है। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली भारत का एक शहर और यूनियन टेरिटरी भी है, जिसमें नई दिल्ली को भारत की राजधानी माना जाता है। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थे। सन 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली कर दिया गया था। इसके अलावा दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसकी सीमा 3 तरफ हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए है। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं और आबादी के लिहाज से ये टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली का मेट्रो देश की पहली आधुनिक परिवहन प्रणाली है। दिल्ली का मेट्रो दुनिया में 13वां सबसे बड़ा है और ये 193 किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, दिल्ली को एक हरा भरा शहर भी कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में हरियाली की भी कोई कमी नहीं है। इसका 20% हिस्सा जंगलों और वनों से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ आपको कोई जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, घने जंगल होने के बावजूद दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी कहा जाता है। दिल्ली से जुड़े तथ्यों में ये भी तथ्य शामिल है कि मई 2014 में नई दिल्ली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। दोस्तों, खाने की बात हो और दिल्ली का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली के स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं है। आपको इस शहर के हर कोने पर खाने की दुकानें मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर तरह का ऑप्शन मिलता है। तभी तो कहा जाता है कि दिल्ली के लोग काफी तगड़े होते हैं। दिन की शुरुआत ही यहाँ पे छोले भटूरे से होते हैं और उसके बाद आप नान, रुमाली रोटी और न जाने क्या क्या खाते रह सकते हैं पूरे दिन। वैसे आपको बता दूं कि इस शहर का नॉनवेज भी बहुत पॉपुलर है। दिल्ली वही जगह है जहाँ पहली बार बटर चिकन पेश किया गया था। इस कमाल की डिश को पहली बार लोगों के सामने मोती महल नाम के दिल्ली के एक फेमस रेस्टोरेंट ने पेश किया था। वैसे दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ, आप क्या ही कहा जाए इनके बारे में। आपने कई गानों में दिल्ली की लड़कियों का जिक्र जरूर सुना होगा। ये सच में बहुत ही खूबसूरत होती है भाई। यहाँ से कई सारी लड़कियाँ बॉलीवुड में जाके बड़े हीरोइंस बन चुके हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी इस शहर का बड़ा नाम है। दिल्ली चारों ओर से अर्बन पॉपुलेशन से घिरा हुआ है। कभी राजनीतिक हलचल के कारण, कभी किसी बड़े आयोजन के लिए, तो कभी अपराध के कारण, तो वहीं कभी प्रदूषण के कारण देश की राजधानी दिल्ली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये शहर कभी शांत नहीं रहता। दिल्ली की हवा में ही कुछ ऐसा जादू है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। जब भी कभी दिल्ली की बात होती है तो नई दिल्ली का नाम खुद ही इस राज्य के साथ जुड़ जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि असल में दिल्ली और नई दिल्ली एक दूसरे से अलग हैं। दरअसल नई दिल्ली को देश की राजधानी के तौर पे जाना जाता है, जबकि नई दिल्ली दिल्ली का ही एक हिस्सा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया, तब नई दिल्ली को अलग से डिजाइन किया गया था। इस राज्य को भारत की धड़कन इसलिए कहा जाता है
क्योंकि नई दिल्ली वो जगह है जहां संसद भवन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन जैसे मुख्य केंद्र स्थित हैं। यानी कि भारत के तीन सबसे मजबूत स्तंभ दिल्ली में ही मौजूद हैं। दिल्ली में कई ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन्हें देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। इन धरोहरों को भारत की असली संस्कृति भी कहा जा सकता है। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, लोधी पार्क, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, बिरला मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर और राजपूत राजाओं द्वारा निर्मित जंतर मंतर शामिल हैं। लाल किले के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। लाल किले को दिल्ली का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त के मौके पर इसी जगह से देश को संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किले का रंग पहले लाल नहीं था? आपको जानकर हैरानी होगी कि लाल किला पहले सफेद रंग का हुआ करता था। कई सर्वेज में इस बात का दावा किया जा चुका है कि यह किला पहले चूना पत्थर से बना था और जब पत्थर खराब होने या झड़ने लगे तो अंग्रेजों ने इसे सुरक्षित रखने के इरादे से इसे लाल रंग में रंग दिया, जिसके बाद से इसे लाल किले के नाम से ही जाना जाने लगा। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को यहां से भारतीय तिरंगा फहराने के अलावा ये किला काफी ऐतिहासिक भी है। आपको यहां दीवाने खास जैसी संरचनाएं मिलेंगी जो सफेद संगमरमर से बनी हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार दिल्ली में ही है, जिसे हम सभी कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। कुतुब मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में शामिल है। इसका निर्माण सबसे पहले 1999 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार 72.5 मीटर लंबा है और आज ये संरचना दिल्ली की शान मानी जाती है। जो इंसान भी दिल्ली घूमने आता है वो कुतुब मीनार देखे बिना यहाँ से वापस नहीं जाता। दिल्ली गेट यहाँ के इतिहास की सबसे पुरानी धरोहर है। ये कोई आम दरवाजों की तरह नहीं है। इसका निर्माण शहर के शासकों ने 8वीं सदी से 20वीं सदी के बीच करवाया था। प्राचीन काल से लेकर हाल के ब्रिटिश काल तक शहर भर में 14 गेट फैले हुए थे, जिनमें से अब 5 ही सही सलामत खड़े हैं। इन गेट्स के बारे में बात करें तो रॉबर्ट स्मिथ द्वारा 1835 में निर्मित कश्मीरी गेट शहर का सबसे उत्तरी द्वार है। 1644 में निर्मित अजमेरी गेट अजमेर के सामने है। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। दिल्ली गेट, जिसे दिल्ली दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, लाल किले में जाने का दूसरा रास्ता है। जबकि 13वीं शताब्दी के दौरान निर्मित तुर्कमान गेट शाहजहानाबाद में स्थित है। और हाल ही के समय का सबसे महत्वपूर्ण स्थल इंडिया गेट है। ये दिल्ली की वो जगह है जिसे कभी अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक होने के अलावा इंडिया गेट दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से भी एक है। इसके साथ ही अगर बात करें मंदिरों की, तो दिल्ली में कई बड़े और प्रसिद्ध मंदिर हैं। इनमें से एक है अक्षरधाम मंदिर। दिल्ली का अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर का स्थान दिया गया। इसमें 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को दर्शाया गया है। मंदिर परिसर के अंदर नीलकंठ नाम का एक थिएटर है, जहां स्वामी नारायण की जिंदगी की घटनाएं दिखाई जाती हैं। बताया जाता है कि हर साल करीब 10 लाख पर्यटक यहां दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर करीब 100 एकड़ में फैला हुआ है। अक्षरधाम मंदिर के अलावा दिल्ली का लोटस टेम्पल भी काफी प्रसिद्ध है। दिल्ली की बात करने वाले लोटस टेम्पल को कभी नहीं भूलते। इस मंदिर को लेकर खास बात यह है कि ये एशिया का इकलौता बहाई मंदिर है, जहां का वातावरण एकदम शांत है। यहां लगभग हर रोज 8,000 लोग देश विदेश से आते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा मंदिर है जहां किसी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। इतना ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद भी दिल्ली में ही है। जामा मस्जिद मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत थी। इसके बाद उसने किसी कलात्मक इमारत का निर्माण नहीं करवाया। इस मस्जिद को 12 साल में 5,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था। इसके अलावा दिल्ली में खरी बावली एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है। फतेहपुर मस्जिद के पास स्थित इस बाजार में मौजूद मसालों की खुशबू हर जगह फैलती है। अगर आपको मसालों के कुछ नए रंग और नए स्वादों को जानना है, तो यही वो जगह है जहां आपको कई अलग अलग मसाले अलग अलग रंग के साथ वाजिब दामों में मिल जाएंगे। देश का सबसे पुराना रेस्टोरेंट देश की राजधानी दिल्ली में ही है। दिल्ली में रहने वाले लोग तो इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ का करीम्स रेस्टोरेंट देश के सबसे पुराने रेस्टोरेंट्स में से एक है। यहाँ असल में मुगल डिशेस बनाई जाती हैं, जो कई सालों से अब तक दिल्ली की पसंदीदा जगह बने हुए है। दिल्ली और करीम का रिश्ता 1913 में शुरू हुआ था, जो आज भी चल रहा है। करीम रेस्टोरेंट दिल्ली के जामा मस्जिद के पास स्थित है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत हाजी करीमुद्दीन ने की थी। अपने शुरुआती दिनों में ये बस दाल और आलू गोश्त बनाया करते थे, लेकिन आज इस रेस्टोरेंट के नॉनवेज आइटम्स पूरे भारत में मशहूर हैं। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है, जहां देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2010 में दुनिया का चौथा सबसे अच्छा एयरपोर्ट चुना गया था। दोस्तों, दिल्ली की आजादपुर मंडी को एशिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी का थोक बाजार कहा जाता है।
यहाँ देश के सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी के फल मिलते हैं। साथ ही अनाज मंडी से पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा सब्जियों की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा दिल्ली के नेहरू प्लेस को एशिया का सबसे बड़ा आईटी मार्केट कहा जाता है। दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस को कौन नहीं जानता। कनॉट प्लेस को दिल्ली की सबसे पहली जगह माना जाता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेसेस आपको कनॉट प्लेस में मिल जाएंगे। इसके अलावा कनॉट प्लेस को रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का हब कहा जाता है। कनॉट प्लेस में सबसे ज्यादा रिटेलिंग स्टोर्स और शोरूम्स हैं। तो दोस्तों, ये थी दिलवालों की दिल्ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको दिल्ली की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आप में से अगर कोई दिल्ली से हो तो हमें जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।